हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके घर में भी रखी हुई इस लोहे की अलमारी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि उसका हैंडल हिलता रहता है या प्रॉपरली लॉक अनलॉक नहीं होता है, या फिर उसका जो यहाँ पे अंदर लॉक इनबिल्ड लगा होता है उसकी अगर आपकी चाबी खो गई हो या अंदर का ताला खराब हो गया हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सब आप खुद भी चाहें तो ठीक कर सकते हैं, मुश्किल से 10 मिनट का ही काम है अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको, चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी से बता देता हूँ इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो किसी भी, आप देख सकते हैं मेरा हैंडल, ये वाला जो है ये लूज़ है, आपकी अलमारी में भी हो सकता है। तो इसको करना बहुत ईजी है, आपको करना ही होता है। अलमारी के बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक इसका कैप या कुछ इस तरीके का कवर जरूर लगा होगा। तो आपको सबसे पहले ये कवर जो है, जो लगा है, इसे रिमूव करना है। उसके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी अलमारी में भी कुछ ऐसे स्क्रू कहीं ना कहीं लगे होंगे। तो जल्दी से इनको मैं अनस्क्रू करके पहले आपको दिखाता हूँ अंदर लगा क्या होता है। तो इस तरीके से अनस्क्रू करने के बाद आप अंदर देखेंगे कि जो इसका अंदर जो मशीन का अंदर सिस्टम लगा है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं एक रॉड जो है वो बेस में जा रही है लॉक करने के लिए, एक रॉड जो है यहाँ से टॉप साइड पर जाती है ऊपर की साइड पर। तो अगर आप कभी भी इसे बाहर से चलाते हैं तो वो ऐसे करके अंदर उठता है यहाँ पे, और इसके बॉडी में ऊपर यहाँ पे एक छेद होता है जिस पे जाके वो लॉक होके अंदर यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए फंस जाता है। तो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है, अगर आप देखेंगे बाहर की साइड से पहले तो देखेंगे कि ये काफ़ी लूज़ हो गया है। इसका लूज़ होने का अगर आप कारण देखेंगे तो यहाँ पे जो नट बोल्ट का जो भी मैकेनिज्म लगा है और ये जो नट बोल्ट है ये काफ़ी लूज़ हो गया है उम्र के साथ, और शायद यहाँ के स्क्रू भी लगाना भूल गए होंगे। तो मैं जल्दी से इन्हें कस दूंगा तो इससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरा जो देख सकते हैं आप नीचे, मैं आपको इसमें लॉक भी दिखाऊंगा कैसे चेंज कर सकते हैं। मेरे केस में हुआ क्या है कि मेरी इसकी जो की है, ये की जो है वो मेरे से गुम हो गई है, तो इसको मेरे को इस केस में रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सेम जो है मैंने सेम साइज़ का जो लॉक है वो मैंने ऑलरेडी हार्डवेयर की शॉप से परचेज कर लिया है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे, 4-5 दुकानों में पता करेंगे तो आपको सेम जो लॉक है वो किसी ना किसी शॉप में मिल जाना चाहिए। उसके लिए आपको पुराना वाला जो लॉक है वो भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप साइज नापने के लिए, क्योंकि जो इसका जो आप दोबारा उसी फिटिंग में दोबारा डालना चाहेंगे तो उसका जो भी यहाँ पे स्क्रू का जो डिस्टेंस होगा वो आपको एग्जैक्ट नए लॉक में भी उतना ही डिस्टेंस चाहिए होगा, क्योंकि आप इसमें खुद ड्रिल या वैसे नट बोल्ट नहीं लगा पाएंगे इजिली। तो इसके लिए आपको सैंपल के लिए दिखाने के लिए आपको हार्डवेयर शॉप में लेके ही जाना पड़ेगा। अगर आपको हार्डवेयर शॉप पे भी ना मिले तो आपके नियर बाय कोई भी अगर अल्मीरा का मैन्युफैक्चरर लोकल शॉप्स वगैरह अगर आपको मिले तो आप उनको भी वो पुराना वाला जो ताला है वो दिखा के आप दिखा सकते हैं, वो इजीली आइडेंटिफाई करके आपको रिप्लेस में वैसा ही सिमिलर सेम डिस्टेंस का आपको लॉक दे देंगे। तो मैं जल्दी से सबसे पहले आपको इसको टाइट करके दिखाता हूँ तो उससे ये जो लूज वाली प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैंने इसको अब अच्छे से कस दिया है, और मैं कसने के बाद आपको दिखाता हूँ कि देखो अंदर बिल्कुल मशीनरी जो है बिल्कुल टाइट हो गई है, हिल नहीं रही है। और अगर आप बाहर की साइड से भी देखें आप तो लॉक अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा है। अब अगर मैं इसे प्रॉपर चढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट है, लूज वाला जो सिचुएशन वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब बिल्कुल टाइट है ये, तो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा ये। अब मैं जो दूसरा पार्ट आपको बताने वाला हूँ इस लॉक को चेंज करने का, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, मैंने इसके रिप्लेस का ऑलरेडी जो लॉक है वो मार्केट से खरीद लिया है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज वगैरह का है। तो अब मैं जल्दी से क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में, ये जो इसका नया सेट मेरे को पेयर मिला है, इस पेयर को मैं वहाँ पे इसके साथ रिप्लेस करके लगाने वाला हूँ। तो जल्दी से वो दो स्क्रू खोलते हैं और उसको मैं रिप्लेस करके दिखाता हूँ। तो मैंने लॉक जो है वो इसका अब रिप्लेस कर दिया है, बहुत सिंपल प्रोसीजर आप समझ ही गए होंगे, सिर्फ स्क्रू अनस्क्रू को थोड़ा टाइट और कसना और खोलने और चढ़ाने का ही काम होता है। तो नया वाला लॉक लग चुका है इसमें, नए वाले लॉक को अब हम जल्दी से चाबी से लगा के मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे लॉक अनलॉक का प्रोसीजर करता है। तो आप जैसे कि ये तो समझ ही गए होंगे कि जब हम इसे एक बार ऐसे करके खोलते या चढ़ाते हैं, जैसे अगर मैं इसे नीचे करूँ तो ऊपर की जो रॉड होती है वो डाउन हो जाती है उस टाइम पर, और जैसे ही मैं अब यहाँ से उसे दोबारा उठा देता हूँ तो देख सकते हैं ये बाहर निकल आया है। तो आप अगर देखें तो लॉक अनलॉक ऐसा होता है। तो उस केस में होता क्या है, जब हम इसे लॉकिंग पोजीशन में ऊपर अभी डाल चुके होते हैं तो उस टाइम पे
लॉक ऐसे काम करता है, जो नया मैंने लॉक रिप्लेस किया है, जैसे ही मैं इसकी चाबी लगा के इसे ऐसे करके लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं इजीली हुआ क्या, इस लॉक ने ये ऊपर आके इसे यहाँ पे रोक दिया है, तो ये आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाइड हो गई है, तो ये ऊपर ऐसे खड़ा हो जाता है और इसको आगे जाने की जगह नहीं मिलती है। तो इस उस केस में ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लॉक हो जाता है, ये जैम हो जाता है, आगे नहीं जा पाता है जब तक मैं इसे दोबारा खोल ना दूँ। जैसे ही मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा तो इसको जाने की जगह आगे मिल जाती है और ये अपनी जगह वापिस ऐसे करके पहुँच जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इजीली फ्रीली मूव होगा तभी ये लॉक अनलॉक होगा, वरना ये ऐसे करके अपनी जगह लॉक हो जाता है दोबारा। तो बस इस प्रोसीजर में इतना ही है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप खुद भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही ये परफेक्टली दोबारा काम करे आपको सिंपल बस इसे दोबारा कवर यहाँ पे कैप लगा के बंद कर देनी है। तो मैं अपने केस में भी इस नई चाबी को मैं लगा चुका हूँ, हैंडल टाइट करके आपको दिखा चुका हूँ, अब मैं बस इसे कवर लगा के पीछे से बंद करने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं कर देता हूँ इसे बंद। तो यहाँ पे दो वॉशर भी मिसिंग थी, मैंने दो वॉशर जो है वो यहाँ पे लगा दिए ताकि कैप अच्छे से लग जाए और पूरा सिस्टम जो है वापस अपनी तरह वैसे ही लग चुका है। तो मैं अब दिखा देता हूँ आपको कि अब ये कैसे चलेगा। तो अभी इसे नीचे करते हैं तो देखिए परफेक्टली एकदम लॉक होगा, बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, और ऊपर करेंगे तो लॉक हो जाएगा, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। और चाबी लगानी हो तो इसे ऐसे करके लॉक कर देंगे और ये अपनी जगह पर पूरी तरह बंद हो जाएगा, ये आगे नहीं जा सकता। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप इसे ट्राई करें तो खुद भी कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे बहुत इजी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।